नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल VM Tech Info में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे इस चैनल पर हमने काफ़ी महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था और जिसके अंदर हमने बताया था कि हमारा जो SBI का CSP पोर्टल है ये पूरी तरह से चेंज होने वाला है। इसका जो वेबसाइट है उसमें बदलाव होने वाला है और जैसे अभी वर्तमान में हम काम कर रहे हैं वो पूरा चेंज होके एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो पर कुछ हमारे CSP भाइयों की प्रतिक्रिया इस तरीके से आई कि ये फेक वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये आपने ऐसे फेक वीडियो बनाया है। और उस समय दोस्तों हमारे पास कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने हमें जो जानकारी मिली थी हमने पता किया था तो उसमें ये पता लगा था कि ये इस तरीके का वेबसाइट है जो कि अपलोड होने वाली है और हमारा जो SBI CSP का पोर्टल है वो बदलने वाला है। तो हमने उस समय वीडियो है जो कि अपलोड कर दिया गया था और हमने बताया था कि जल्द ही हमारा CSP का पोर्टल है जो कि अपग्रेड होने वाला है। तो अब ये चीज़ है जो कि बिल्कुल 100% क्लियर हो चुकी है। अब बैंक की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमारा जो CSP का पोर्टल है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो इसके अंदर क्या क्या बदलाव होने वाला है, कितना बदलाव होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी बताएंगे। तो दोस्तों, बदलाव की अगर बात करें तो ये हमारा जो अभी जो इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे हम लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वो पूरी तरह से सेम ही रहेगा। उसके अंदर आपको एक CIF का जो ऑप्शन है उसके नीचे आपको एक पॉपअप और एक मैसेज देखने को मिलेगा जिसके अंदर तीन तरीके की सर्विस लिखी गई होगी, एक APS ऑन ट्रांजेक्शन, दूसरा APS ऑफ ट्रांजेक्शन और तीसरा CIF बेस्ड ट्रांजेक्शन, जो कि जैसे कि हम आधार से लेन देन करते हैं, आधार की जो सर्विस APS की जो सर्विस है वह हो गई और दूसरी है जो कि CIF से हम जो लेन देन करते हैं, जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हमारे CIF बेस्ड कस्टमर हैं उनका जो CIF लॉगिन करके हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये तीन सर्विस है जो कि अभी जो नया पोर्टल हुआ है उसके अंदर ऐड की गई। उसके लिए आप इसमें से कोई भी सर्विस का अगर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप APS से कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक लिंक देखने को नीचे मिलेगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे एक नया टैब ओपन होगा जिसके अंदर पूरा इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो चेंजेस बाकी कुछ नहीं है, आपको सेम वही है, आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर कस्टमर की वो फिंगरप्रिंट हम लगाते लेते हैं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगाते हैं, वैसे वो सेम है, थोड़ा सा इंटरफेस जो कि चेंज देखने को आपको मिलेगा। और हो सकता है ये एक न्यू टैब ओपन होगा, उससे क्या होगा कि दोस्तों हमारा जो सर्वर पे लोड रहता है या यहाँ पर जो अभी जो वर्तमान में हम काम करें तो वो एक ही टैब के अंदर पूरा होता है, तो उसका जो ये अब नया टैब ओपन होगा तो उसमें वो लोड चला जाएगा दूसरे मतलब सर्वर में, तो इससे क्या होगा कि हमारा ट्रांजेक्शन थोड़ा समय से जरूर हो जाएगा। जितने भी हम APS से ट्रांजेक्शन करेंगे या CIF से करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ये नया नए पोर्टल के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शन हैं जो कि हमें अभी जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं उसी डैशबोर्ड के अंदर ही है, बाकी सर्विस पूरी उधर ही रहेगी, केवल APS और CIF की सर्विस है जो कि न्यू टैब ओपन होगा उसके अंदर आप कर पाएंगे न्यू टैब के अंदर, और उसका इंटरफेस थोड़ा चेंज होगा। तो अभी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन क्या है, हमारे जो ऑनलाइन रिपोर्ट है उसके अंदर ये जो कि पूरी यूजर मैनुअल दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियली इसको डाउनलोड करके आपको बताता हूँ और किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है और आपको पूरा अभी उसको समझ लेना है कि जो हमारा न्यू पोर्टल किस तरीके का देखेगा और उसको आपको किस तरीके से उसमें काम करना है, वो सारी चीज़ें आप उस यूजर मैनुअल को आसानी से पढ़ के आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी उसको लॉन्च होने में थोड़ा टाइम है, हो सकता है एक आध महीना और भी लग जाएगा, लेकिन लॉन्च ये जरूर होगा, नया पोर्टल है जो कि 100% आएगा, ये अभी चीज़ें जो कि श्योर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डाउनलोड करते हैं यूजर मैनुअल न्यू वेब पोर्टल। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, जाना है रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट में जाके ऑनलाइन रिपोर्ट वाला सेक्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं मिसक्लेस यूज़ करके एक नया ऑप्शन जो कि ऐड किया है, कुछ समय पहले ऐड किया है, जिसके अंदर बैनर वगैरह कुछ अपलोड किए थे और हैंडबुक की उसके लिए वो भी इसमें अपलोड की हुई है और टैब के बारे में जानकारी। तो इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी ऐड किया गया SBI न्यू वेब यूजर मैनुअल वर्जन 1.1, ठीक है, सबसे नीचे वाला। तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर
एसबीआई ऐप न्यू यूजर मैनुअल वाला है, इस पर आप ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई न्यू वेब यूजर मैनुअल वर्जन 1.1, तो ये न्यू वर्जन अभी लॉन्च होने वाला है और ये पूरा न्यू वेब के लिए है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी पीडीएफ है जो कि काफ़ी पेजेस जिसके अंदर हैं और उसके अंदर पूरी पूरी एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है कि एपीएस डिपॉजिट कैसे करना है, उसके बाद आप एपीएस से विड्रॉल कैसे करना है, मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालना है, बैलेंस इंक्वायरी कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो कि उसके अंदर बताई हैं। सीएफ से भी आपको ट्रांजेक्शन कैसे करना है इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो इसमें जो वेबसाइट, ये पूरा यूजर मैनुअल है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट के अंदर आप देख सकते हैं टोटल मतलब 68 पेज हैं और इसके अंदर पूरी पूरी एपीएस के बारे में जानकारी है, अकाउंट कैश डिपॉजिट जो कि सीएफ से जो हम डाउनलोड करते हैं उसकी पूरी जानकारी है, विड्रॉल वगैरह करते हैं। तो ये इस तरीके का इंटरफेस है जो यूजर मैनुअल के अंदर, तो इसमें पूरी चीज़ें समझाई गई है, आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है जो दोस्तों, अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिनकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता है, तो उसका अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो जिसके अंदर आपको विटनेस का नाम, विटनेस का आधार नंबर और उसका फिंगर भी लगेगा जो कि इस पीडीएफ के अंदर मेंशन है 37 नंबर पेज के ऊपर, जो कि आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगेगी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।